जानते हैं ना, जो गांधी जी की छड़ी थी यहां छड़ी वाली बटन दबानी पड़ेगी। कौन वाली बटन? अभी हम बताएंगे, अभी नहीं, हम इसका विस्तृत आपको बताएंगे। हम लोग आ रहे हैं, हमारी फौज आ रही है, हम लोग करेंगे। लेकिन इतना तय हो गया दिल्ली से कि ये सीट, घोसी की सीट, एक सीट फाइनल हो गई, दूसरी पे बात चल रही है और बातें हो रही है। तो यहाँ छड़ी पे चुनाव होगा, किसी को भ्रम होगा तो भ्रम निकाल देगा। पार्टी के नेताओं को कल बुलाया हूँ, हमारी पार्टी के नेता बैठ करके वहाँ जो तय करेंगे, जिसको प्रत्याशी बनाएंगे, वो आपके बीच में आएगा, हाथ जोड़ेगा और आपका वोट मांगेगा। आज इस देश में सबसे बड़ा पावर कहाँ है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की, दो लोगों के पास पावर है। ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है, कहां जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पावर कहां है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहां। कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी बैठ करके ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिला रहे थे कि आज ओम प्रकाश राजभर हमारा सिर खड़ा हो रहा है इस लड़ाई में हमारे साथ, मंत्री बनूंगा। बोलो, कहा था कि नहीं? ललकार के कहा था कि मंत्री बनूंगा, मंत्रिमंडल का विस्तार जिस दिन होगा उस दिन मंत्री बनूंगा, और बन के दिखा दिया। आज ओम प्रकाश राजभर के पास वो पावर है कि जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है, उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, कहीं भी आपकी कोई समस्या हो, हम आपको अपना पावर, हम आपको पावर देते हैं। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का मजाक बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर, जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं, और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेज ले जाती गाड़ी। बोलिए, है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है, आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। हम तो आपसे कह रहा हूं, अब तो हम, आप शोले फिल्म देखे हो? अच्छा, कितने लोग शोले फिल्म देखे हो? जरा हाथ उठाओ, देखो ना, शोले में गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। लेकिन आप अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहे। यहां आए हुए लोगों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने जिस नेता से जो मांगा वो नेता आपको दिया। हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हमारे एक साथी ने कहा, आपने नेताओं से दारू मांगा, तो बोलो दिया कि नहीं दिया? ईमानदारी से बोलिए, नेताओं से हमारे लोगों ने दारू मांगा तो नेताओं ने दारू दिया, हमारे लोगों ने मुर्गा मांगा मुर्गा दिया, पैसा मांगा पैसा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस वोट के बदले मुर्गा दारू पैसा नहीं, इस वोट के बदले अच्छी शिक्षा, तेरा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बने, इस नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का पावर दिया।